अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना। मर कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना। पधरामणी तुझ थाये ज्यात्या थाये पूरी अटकड़ो। पधरामणी तुझ थाये ज्यात्या थाय पूरी अटकड़ो। बड़वो करी न शके नगर मा बाया आंतर पड़ी बड़ो। बड़वो करी न शके नगर मा बाया आंतर पड़ी बड़ो। विखराय छे तूफान ने रम खान सव मुग जड़ो। विखराय छे तूफान ने रम खान ना सव मृग जड़ो। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना। मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करू वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करू वंदना। तेजस अने सौंदर्यनी स्पर्धा हती तुझ अंगमा। तेजस अने सौंदर्यनी स्पर्धा हती तुझ अंगमा। प्रभु ने नहीं जोई शके जन भंग पड़ से रंग मा। प्रभु ने नहीं जोई शके जन भंग पड़ से रंग मा। एवु विचारी तेज शिर पाछड़ रयु तुज संगमा। एवु विचारी तेज शिर पा छड़ रयु तुज संगमा। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करुहु वंदना।
मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना मारा कर्मनी कंदना हरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करु वंदना हरिहंत अतिशयवंत तुजने भावे करु वंदना कर्म क्षय से जो परमात्मा अपने ये अतिशय प्रकट करते हैं अपने पुरुषार्थ से वो कौन सा पुरुषार्थ है जिससे कर्म क्षय होता है और ऐसे अतिशय प्रकट होते हैं। ये अतिशयों की गुण संवेदना गुण अनुमोदना गुण प्रमोदना करते करते प्रकट क्या करना है हमारी दृष्टि से हमें क्या प्रकट करना है ऐसे गुण स्तुति करते करते सबसे पहले स्तुति के अंदर जो चमत्कृति भगवान के जीवन में है वो क्या है वो बताता है। दूसरा उसका प्रभाव क्या है वो बताता है। वो चमत्कृति क्या है उसका प्रभाव क्या है और वो कैसे प्रकट किया जाए। उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया था जिससे ऐसी चमत्कृति प्रकट हुई। ऐसे स्वाध्याय करने से हमारा लाभ क्या होगा। हमारा लाभ ये होगा कि जो हमारा मकसद है कि मुझे हमेशा के लिए आनंद में रहना है कि नहीं। हमेशा अगर आनंद में रहना है आनंद याने मुक्ति का अनुभव एक क्षण की मुक्ति का अनुभव आनंद याने और परम आनंद याने हमेशा मुक्ति का अनुभव। तो इसमें पहला सवाल ये है कि क्या ये जो आनंद है और परम आनंद है जिसका वर्णन यहाँ चल रहा है हमारे जीवन में वो प्रकट हो सकता है कैसे। तो पहले तो हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो भगवान ने प्राप्त किया और जो भगवान ने पुरुषार्थ किया प्राप्त किया उसका वर्णन बहुत है। पुरुषार्थ किया उसका द्रव्य बाह्य वर्णन बहुत है किन कैसे प्राप्त किया उसका वर्णन रहस्यमय है। हर जगह वर्णन ये आएगा कि हमारे अरिहंत परमात्मा ऐसे थे। ग्लैमर पोर्शन ऑफ अरिहंत परमात्मा हमारे भगवान। कोई भी धर्म हो धर्म संप्रदाय ये संप्रदाय है जिन मार्ग का संप्रदाय है। संप्रदाय यानी एक भगवान होते एक लीडर होते हैं लीडर यानी यहाँ तीर्थंकर और उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। फॉलो करने में प्रथम कौन आता है प्रथम उनके आसपास जो उनके साथ उनके जैसा जीवन जीते हैं वो साधु भगवंत
जिसने अपना समस्त जीवन समर्पित करके उनके साथ रहना या उनके बताए हुए रास्ते पर जीवन जीना। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो प्रचार करते हैं, जहाँ जाते हैं भ्रमण करते हैं, सामान्य भाषा में भ्रमण करते हैं, जिन मार्ग में उसे रमण करते हैं कहते हैं, और रमण का नाम दिया है विहार। विहार यानी रमण करना। विहार का मतलब क्या है? रमण करना। रमण करना ये हम ऐसे बोलते हैं मजा किया, तो मजा किया नहीं होता है वहाँ पर, वहाँ क्या है, रमणता होती है। रमणता किसके साथ जुड़ी है? अंदर के खुशी के साथ। तो भ्रमण और रमण में क्या फर्क है? बिना गोल इधर उधर जाना उसे कहते हैं भ्रमण। भ्रम से जो चलता है वो भ्रमण करता है, और इसीलिए यहां शब्द प्रयोग हमारे जिन परिभाषा में विहार दिया। तो विहार में क्या बताया गया? विहार में ये बताया गया है, और विहार में स्पेसिफिकली कहा है कि चलना है अपने पैर से, बिना पैर के अंदर कुछ पहने हुए चलना है। और कैसे चलना है, चलना क्यों है? पहला, उस जमाने में गाड़ी नहीं थी, थी ना, घोड़ा गाड़ी थी, बड़द गाड़ी थी, घोड़ा था, डोली थी। तो ऐसे सुना है कभी भी कि हमारे संत महात्मा साधु भगवान डोली में गए, घोड़ा गाड़ी में गए, या घोड़े पे गए, या बड़द गाड़ी में गए? ऐसे सुना है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि उस परंपरा में वो है ही नहीं। तो उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? भगवान ने ये प्रथा क्यों रखी कि आपको पैर में कुछ पहनना नहीं है और एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हुए ही जाना है? तो खाली चलते हुए जाना है नहीं बोला है, विहार युक्त चलते जाना है। चलना वो विहार नहीं है, चलना वो विहार नहीं है। तो फिर हमारे उनके में फर्क क्या है? क्रिया चलने की है लेकिन उसको विहार कहते हैं, और हम चले तो पद यात्रा, हम चले तो पद यात्रा, वो चले तो विहार। और हमारे उपध्यान में हम विचरण बोलते हैं, जो आज समझाया विशेष चरण, और उनको शब्द दिया गया विहार करना है आपको, तो उसका उद्देश्य क्या है? दे दिया कि विदाउट एनी
attachment, you are detached, but still you, the whole world is yours and तुम पूरी जगत में रमणीया में enjoy कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये type का उद्देश्य उसके पीछे या हिंदू हो सकता है. नहीं जी, और मैं बात साथी जी जबरदस्त शक्ति देखी हुई इसी दिन आते हुए जीव पर जीव ये भी वातावरण से ये भी रूप का ध्यान में आ गया. तो जैसे आपने बोला कि पहला गोल है रमणता, रमणता यानी बाहर के नेचर को एंजॉय करना नहीं है, रमणता है यानी मेरे जीवन में जो भी हो रहा है अंदर की दुनिया में वह प्रसन्न रहना, इसे रमणता कहते हैं. और अगर मैं प्रसन्न हूँ तो मैं जहाँ जाऊँगा वो मेरी प्रसन्नता फैलेगी, फैलानी नहीं पड़ेगी, बराबर है. और मुझे चलते हुए जाना है ताकि मेरी प्रसन्नता देखकर लोगों को जिज्ञासा हो कि इतने प्रसन्न कैसे हैं, हम तो बहुत बेचैन हैं, हमारे ये इश्यू है, हमारा वो इश्यू है, वो है. तो ये लोक दृष्टि से रमणता है. सूक्ष्म दृष्टि और क्या है, जैसे कल्पना बेन ने बताया कि जैसे हम पद अपने चरणों से चल के जाएंगे, रमणता तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, है कि नहीं. तो उनकी जीवन व्यवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कंपलसरी चल के ही जाना है, कंपलसरी, वो भी बिना कोई पैर में. हाँ, जैसे हम चप्पल बूट पहनते हैं, बिना पहने हुए चलना है. उसका उद्देश्य क्या है, वाई लाइक दैट, दिस इज अ पैकेज ऑफ विहार. खुले पैर चलना क्यों, क्या भगवान को मालूम नहीं था कंकर आएंगे, कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, चुभेगा, सब मालूम था. वो पॉइंट नहीं है, भगवान ने खुले पैर चलने के कारण वो आपको टफ कंडीशन हो उसके लिए ऐसा बोला नहीं है, वो कारण से नहीं बोला है. हमारी जो रमणता है, अगर हम भूमि पर बिना चप्पल चले, चप्पल इज एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, समझ गए. जब वो रमणता होती है ना, तो रमणता इज एन इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं खुश हूँ, आप खुश हो, कोई भी खुश है मनुष्य, तो उसके अंदर करंट चलता है जबरदस्त, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जबरदस्त. जितने आप खुश होंगे ना, उतनी आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नाम की ऊर्जा प्रकट होती है. जागरूक हमेशा रहूंगा, मैं जागरूक हमेशा.
में।